हे नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बीगल और जो है पग डॉग ब्रीड के बारे में। ये वन ऑफ द फेमस और मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है। आजकल इंडिया में बहुत सारे लोग इन्हें एडोप्ट भी करते हैं। तो ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, प्राइस क्या रहता है, फर्स्ट टाइम के लिए कैसा है, किस लोगों को क्या क्या दिक्कत आ सकती है, वो सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ताकि आप अगर लेते हो या फिर आपके पास है तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कीजिएगा। और मेरी बनाई वीडियो अगर आपको जरा सा ही पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। गाइस, बीगल और जो पग डॉग ब्रीड होते हैं स्मॉल टाइप के डॉग ब्रीड होते हैं। छोटे घरों में, छोटे फैमिली मेंबर में या छोटे साइज वाले अगर आपको डॉग पसंद है तो उनके लिए ये डॉग ब्रीड काफी ज्यादा बेस्ट है। बट दोनों के जो प्राइस रेंज में आपको काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा, दोनों के हेल्थ में भी आपको काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों की साइज आप बात करेंगे, उनकी जो क्वालिटी होती है दोनों की काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को मिलेगी। बट दोनों काफी फैमिली के लिए, फर्स्ट टाइम के लिए काफी ज्यादा सही डॉग ब्रीड होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की पग की। तो पग की प्राइस जो चालू होती है 10,000 से लेकर 14,000 तक चला जाता है। फीमेल की बात करें तो फीमेल के 9,000 से लेकर 12,000 के बीच में रहेगी। अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का पग चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत कॉस्टली इसका 1-2 हज़ार रुपये आपको देखने को ज़्यादा मिल सकता है। वही बात करें बीगल की तो बीगल का प्राइस एकदम फिक्स नहीं होता है। कभी कभार अगर इसका ज़्यादा अगर आपको पपी अवेलेबल हो रहे तो ये 15,000 की रेंज से लेकर 18,000 की रेंज में मिल जाता है। और अगर आपको अच्छी क्वालिटी का चाहिए, A1 चाहिए, जो अच्छे ब्रीड के हिसाब से चाहिए, तो उसका प्राइस आपको 18,000 से लेकर 25,000 तक भी चला जाता है। डिपेंड करता है क्वालिटी पे कि किस क्वालिटी का आप ले रहे हो। दूसरा जो पॉइंट हमें याद रखना चाहिए वो है हेल्थ का। तो हेल्थ में जो पग होता है वो आपको देखोगे कि पग के आपको डाइट काफ़ी ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वो जल्दी से कभी कभार बीमार पड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पग है जो अगर आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, केयर नहीं करोगे, तो जल्दी से वो बीमार हो जाते हैं। कभी कभार मौसम चेंज होने के कारण भी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। वही बीगल की बात करें तो बीगल जो है प्लेइंग नेचर का होता है, वो हेल्थ उसकी काफ़ी अच्छी होती है, ऐसा ही खेलता रहता है। बट उसके डाइट के ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे तो ओवरवेट हो जाता है। कभी कभार वो सैडनेस डिप्रेशन में भी अकेला जल्दी से चला जा सकता है। तो ऐसे सारे हेल्थ इशू इन दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। दोनों का वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग आपको कंपलसरी हर बार कराना पड़ेगा, तो इनकी हेल्थ काफ़ी अच्छे से बढ़िया मेंटेन रहती है। गाइस, जो बीगल और पग है इन लोग को लेना चाहिए जो छोटी फैमिली से है, उनको ट्रैवलिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है या फिर ट्रांसफ़र हो जाता है बार बार जॉब में, तो ऐसे लोग को जो है छोटे पपीज़ या फिर स्मॉल टाइप के डॉग ब्रीड आपको लेना चाहिए। और ये इसमें क्या होता है, इनका खाने का जो कॉस्ट होता है, मंथली खर्चा होता है, वो भी काफ़ी कम आ जाता है। स्मॉल टाइप के घर होते हैं 1 BHK 2 BHK, उनमें से भी आसानी से ये लोग रह लेते हैं। और इनको रेगुलर वॉक पे भी आपको ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी हाइट बॉडी छोटी होती है, इसलिए आप नॉर्मल वॉक अगर ले जाते हो तो भी इनको काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेबल हो जाता है। इनकी रहने की बात करें तो ये सारे वेदर में अच्छे से रह लेते हैं, इंडियन वेदर में भी काफ़ी अच्छे से अडोप्ट कर लेते हैं। और आपको देखोगे कि इनको मेंटेन रखना, इनको ध्यान रखना, इनके ऊपर केयर करना, इनको सिखाना, ट्रेनिंग देना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, ये लोग स्मॉल टाइप के डॉग ब्रीड है इसलिए अच्छे से कवर हो सकते हैं। ध्यान रखना, जो पग होता है वो थोड़ा बहुत आलसी जैसा हो सकता है, अभी बैठा रहता है, उनके ऊपर आपको थोड़ा एक्टिविटी करनी पड़ेगी ताकि वो अच्छे से जल्दी नई नई एक्टिविटी सीख जाए। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइम के लिए दोनों ब्रीड कैसे है। तो फर्स्ट टाइम दोनों ब्रीड काफ़ी अच्छे, अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। अगर आपका घर छोटा है तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको लो मेंटेनेंस वाले डॉग ब्रीड चाहिए तो भी ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा सही रहेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि घर के खाना थोड़ा सा हम दे सकते हैं, थोड़ा सा बाहर का खाना डॉग फूड भी दे सकते हैं, और आपका जो मंथली खर्चा है या मंथली सैलरी आप बोल सकते हैं वो 15,000 से लेकर 22,000 के बीच में अगर है तो भी आप इन दोनों को अच्छे से मेंटेन रख सकते हो। अब थोड़ी सी डॉग की आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पग की, तो पग एक एग्रेसिव डॉग ब्रीड नहीं होता। बच्चों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, बूढ़े या फिर आपके घर में छोटे मोटे बच्चे हैं तो उनके साथ भी अच्छे से खेल लेते हैं ये लोग। और इन लोग को जैसे कि एक्सरसाइज की काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है, तो आपको रेगुलर वॉक पे इनको जरूर से ले जाना है, नहीं तो इनको फैट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा आलसी हो जाते हैं। इन डॉग को एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में आपको रखने की जरूरत है पग को। अगर आप ज़्यादा ठंडे रखोगे तो इनको कोल्ड या फिर सर्दी, ऐसे सारे कुछ इनको लक्षण आ सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। और ज़्यादा गर्म आप वेदर में रखते हो, टेम्परेचर में रखते हो, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। इनके कोई कोई ऑर्गेनिक जो होते हैं वो फेल भी हो सकते हैं या डैमेज भी हो सकते हैं, इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर में आप रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक इनका कोट होता है वो शॉर्ट कोट होता है, तो ग्रूमिंग करने में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इनको नहलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, उनको साफ भी रखने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इनके जो फेस होता है वहाँ पे रिंकल होते हैं, इसलिए उनको अच्छे से साफ कीजिएगा ताकि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। कभी कभी इनके आई प्रॉब्लम हो सकती है टेम्परेचर के चलते या फिर कुछ बीमारी के चक्कर में, तो उनके आई के ऊपर ज़्यादा आपको केयर करनी पड़ सकती है।
अब बात करते हैं बीगल डॉग ब्रीड की। तो बीगल डॉग ब्रीड एक काफी ज्यादा एक्टिव डॉग ब्रीड होता है। इनको आप आराम से ट्रेनिंग दे सकते हैं, घर पे भी सिखा सकते हैं और बाहर भी आप गार्डन में या फिर नॉर्मल एक्टिविटी भी आप करा सकते हैं। ये डॉग ब्रीड काफी बच्चों के साथ काफी अच्छे से रह लेते हैं, बाकी एनिमल के साथ भी काफी लविंग नेचर के, इसलिए अगर आपके घर में छोटे मोटे बच्चे हैं या तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इनको रखने में। इन डॉग ब्रीड को एक्टिविटी करना काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए रेगुलर वॉक पे आप जरूर से ले जाए। और उसके साथ साथ ध्यान रखना इनको, आप ये एक्टिव होते भाग दौड़ करते तो कभी कभार रोड पे या फिर सड़क पे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको गार्डन में या फिर ग्राउंड में ले जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं बाहर ले जाते हो तो इनको जो लीस होते हैं यानी पट्टा होता है उनका बांध के आप ले जाइएगा, ताकि यहाँ वहाँ दौड़े नहीं तो कभी कभार इनके एक्सीडेंट भी ऐसे हो जाते हैं। इन डॉग ब्रीड के खाने में आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो जल्दी से ओवरवेट कर लेते, ज्यादा फीड मत दीजिएगा। जैसे उनका डाइट होता है उस तरह से उनका डाइट रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गाइस अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इन दोनों डॉग ब्रीड को एज अ गार्ड डॉग की तरह हम रख सकते हैं या फिर इनको ऐसा गार्डिंग या कोई चोर का पीछा करने में या पकड़ने में मदद करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये दोनों डॉग ब्रीड काफी फ्रेंडली है, आप इन्हें एज अ वॉच डॉग यानी भौंकना सिखा सकते हैं। वो आपको उनके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग उनको देनी पड़ेगी, उनको ट्रेन या डिसिप्लिन में करना पड़ेगा, तब जाके अच्छे वॉच डॉग भी बन सकते हैं। बट ये रेयर केस में होता है, नॉर्मल ये बार करके आपको अलर्ट कर सकते हैं। तो गाइस दोनों डॉग ब्रीड काफी अच्छे हैं, फर्स्ट टाइम के लिए सही है और बजट के हिसाब से भी सही है, तो आप दोनों डॉग ब्रीड जा सकते हैं। अगर आपको वॉच डॉग या गार्ड डॉग चाहिए या फिर गार्डिंग पर्पस में या फिर लास्ट टाइप के डॉग चाहिए, तो आप दूसरे अदर डॉग के साथ भी जा सकते हैं। इन दोनों में से आपके आपका आपके पास कौन सा है, आपका फेवरेट कौन सा है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।